हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम बनाते हैं आम का गुड़म, जो कि हम लोग खाते हैं पूड़ी के साथ, चाहे हो दाल की पूड़ी या हो सादी पूड़ी, किसी की पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये मैंने आम लिया है और आम को मैंने पीसेस में काट लिया है। आप लोग कोई भी शेप दे के काट लो, जैसे कि मेरा आम जो था थोड़ा सा बड़ा था। तो ये देख सकते हो मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने डाला एक चम्मच घी, क्योंकि घी से ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हम लोग घी डालेंगे। और फिर क्या करेंगे कि घी को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, और जब घी आप लोग का गर्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग डाल देंगे आम अपने सारे, जो कि हमने कट किए हुए थे। और ज़्यादा आम, मतलब अगर आप लोग खट्टा आम हो ना तो थोड़ा सा कम ही आम लीजिएगा, क्योंकि इससे ना खट्टा ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैं चार लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो ये चार लोगों के हिसाब से मैंने 4 से 5 आम लिए थे, क्योंकि मेरा आम बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, इसलिए मैंने 4 से 5 आम लिए हुए थे। और इसको हम लोग अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को फ्राई कर लेना है, जिससे देख सकते हो जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, जैसे हल्का हल्का सा लाल हो जाए, तुरंत आप लोगों को निकाल देना है। और क्या करना है ना कि इसमें कभी कभी सट जाता है, तो मैंने इसको क्या किया था, कढ़ाई को अच्छे से धुल लिया था, फिर उसके बाद मैं डाला एक चम्मच घी फिर से, क्योंकि घी में बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोग बस घी नहीं है तो सरसों के तेल की जगह रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, एक चम्मच मैंने डाला है जीरा, और फिर डाला है मैंने 2 तेज़पत्ता, इससे थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। और मैंने डाल दिया 3 से 4 हरा मिर्च, जो कि हमने बारीक चॉप कर लिया था, और इसको अच्छी तरीके से लाल होने देंगे। जैसे ही ये लाल हो जाए वैसे ही हम लोग डालेंगे आटा, आटा वही आटा जो हम लोग घर में मतलब आटा की रोटी खाते हैं, वही वाला आटा डालना है, कोई मतलब और नहीं, गेहूं का आटा ही डालना है। उसको अच्छे तरीके से हम लोग भूनेंगे जब तक ये हल्का सुनहरा लाल ना हो जाए, जैसे कि आप लोग गेहूं के आटे का हलवा खाते हैं ना, वैसे ही आप लोग को इसको भी बनाना है। तो इसको देख सकते हो ये हल्का सा लाल हो चुका है, तो उसको हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं कि सुनहरा लाल और हो जाए। तो ये देख सकते हो मैंने डाल लिया है चार मैंने लिया छोटी इलायची, और 10 से 15 मैंने लिया काली मिर्च के दाने, ये मैंने लिया है काजू, और काजू थोड़ा सा मैंने घिस करके ले लिया था, और मैंने लिया था नारियल चॉप करके ले लिया था, और किशमिश। तो ये सब हमने इसमें डालेंगे। ये देख सकते हो अच्छे तरीके से भून भी चुका है। और मैंने क्या किया था, तेज वो जो छोटी इलायची और काली मिर्च था उसको मैंने बारीक कूट लिया था, बहुत अच्छी तरीके से कूट लिया था। ये देख सकते हो हल्का सा लाल हो चुका है, हल्का बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी थी। उसके बाद मैंने डाल दिया है चीनी। तो ये देख सकते हो जैसे कि मैंने 4 से 5 मैंने आम लिए थे, और मैंने उसके हिसाब से डाला था 1/2 किलो चीनी, क्योंकि चीनी की मात्रा ना थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी, खटमिट का टेस्ट आना चाहिए इसीलिए। तो जिस हिसाब से आप लोग का आम हो, अगर आप लोग का आम खट्टा है तो बराबर मात्रा में डालिएगा। जैसे अगर आप लोगों का आम खट्टा है तो 250 ग्राम आम में 250 ग्राम चीनी जाएगा, लेकिन अगर आप लोग का आम मीठा है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी कर लीजिएगा चीनी का, और पानी की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि उसको खौलाना है अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप लोगों को ना थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा डालिएगा, जैसे कि मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी डाला था। और मैंने इसमें डाल दिया काजू और किशमिश और नारियल, जो मैंने अभी चॉप करके दिखाया था आप लोगों को ना, उससे टेस्ट अच्छा जाता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से खौलने देंगे सबसे पहले, तो जब तक कि आप लोगों का चीनी मेल्ट ना हो जाए तब तक। ये देख सकते हो चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है लमसम, और हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा खौलने देंगे। देख सकते हो इस तरीके से खौलने लगा ना। अब हम इसे स्टेज पर डाल देंगे आम। जैसे कि आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा कोई चाशनी वगैरह तो कुछ बनानी नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोगों का ये पानी खौलने लगे, पानी को 2 से 3 मिनट बस खोलने दीजिएगा, फिर उसके बाद तुरंत ही डाल दीजिएगा अपने आम। और आप लोगों को अब पकाना है, जब तक कि आप लोगों की कंसिस्टेंसी इसकी जो है वो गाढ़ी ना हो जाए, तब तक आप लोगों को पकाना ही है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, ये देख सकते हो इस तरीके से हमारा आम खोल रहा है। और अभी आप लोग को ना वो जो मैंने छोटी इलायची और काली मिर्च का पाउडर बनाया हुआ था उसको आप लोग को नहीं डालना है, उसको आप लोग को अभी लास्ट में डालना है। सबसे पहले आप लोग को उसको अच्छे तरीके से पका लेना है। तो ये देख सकते हो अच्छे तरीके से पक चुका है, और लमसम ये गाढ़ा होने भी लगा है। ये देख सकते हो, मैं अगर आप लोग को दिखाऊं तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है। और एक चीज़ का आप लोग और ध्यान दीजिएगा ना, कि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो एकदम गाढ़े होने पर मत छोड़िएगा। तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया, गैस ऑफ करने के बाद हम लोग डालेंगे छोटी इलायची और काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि मतलब पहले नहीं डालना है, थोड़ा सा गैस ऑफ करने के बाद डालना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा और यमी लगता है। अगर आप लोग को चीनी थोड़ा सा, अगर जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आम तो खट्टा है नहीं समझ पाता और चीनी कम हो जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट करके और भी चीनी ऊपर से डाल सकते हो, लेकिन चीनी खड़ा मत डालिएगा, उसको चीनी को पानी में मेल्ट करके डालिएगा। तो अब हमारा ये सो टेस्ट है, आम का गुड़म बनकर तैयार है। इसको तो हमारे यहाँ आम का गुड़म कहते हैं, आप लोग क्या क्या कहते हैं इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग यहाँ कुछ और भी कहते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ढक के रख देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी गाढ़ी भी होगी, तो ये हल्का सा ना ठंडा हो जाता है, तब खाने में और मज़ा आता है। ये देख सकते हो ये मैंने कुकर में निकाल लिया था कढ़ाई से, और ये हमारा सो टेस्ट है बनकर तैयार भी है, और ये गाढ़ी भी हो चुकी है थोड़ी सी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सर्व कर लेंगे। ये बिल्कुल मतलब कि 80% ये ठंडा हो चुका है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि ये हल्का सा ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, और ये ठंडे होने के बाद ही ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको आप पूड़ी के साथ खाइए, जैसे दाल की पूड़ी हो गई या सादा पूड़ी हो गई या आलू की कचौड़ी भी हो गई, तो सबके साथ खाइए ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने आम के गुरम को सर्व कर लिया है और इसके साथ मैंने बनाया था सब्जी जो कि थी आलू और बोड़े की। देख सकते हो काजू किशमिश कितना टेस्टी लगता है लग रहा है ना, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है, जैसे कि ये गुठली वाला आम था मेरा, तो अगर आप लोग उसको उठा के भी देख रहे हो तो ये थोड़ा मतलब सॉफ्ट हो चुका है। तो ये हमारा सो टेस्टी इमी बन के तैयार भी है, अभी मैं आप लोग को दिखाऊँ भी तो कितना टेस्टी लग रहा है ना, मुँह में आ रहा है ना पानी। इसको चलिए झटपट बनाइए और खाइए और इंजॉय कीजिए। ये देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी है, तो इतना ही गाढ़ा रहेगा जैसा कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और इसके साथ मैंने लिया है सादा पूड़ी, मैंने सादा पूड़ी ही हमने बनाया था, और मैंने लिया था आलू बोड़े की सब्जी जो कि बनाई थी, आलू बोड़े की सब्जी और गुरम और ये सादी पूड़ी। आप लोग भी इसको खाइए पीजिए और इंजॉय कीजिए। सो टेस्टी है हमारी आम के गुरम, एंड बाय बाय, टेक केयर।